इस कहानी की शुरुआत में हम जंगल के बीच में एक तालाब को देखते हैं जहां पर ढेर सारे फ्रॉग और बाकी के जंगली जानवर एंजॉय कर रहे होते हैं। अब काम डीलो जब तालाब में जंप लगाता है तो तालाब का पानी तालाब के किनारे पर खड़े रिबिट नाम के एक फ्रॉग पर जाता है, जिससे रिबिट पूरी तरह से भीग जाता है। रिबिट बाकी के फ्रॉग से बिल्कुल अलग होता है क्योंकि उसकी स्किन जहरीली थी और उसे बाकी के फ्रॉग की तरह तालाब में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। अब सभी फ्रॉग जब रिबिट को तालाब में आने के लिए कहते हैं तो इसके लिए राजी हो जाता है और तालाब में आकर एंजॉय करता है। अब यहाँ पर सिटी नाम की एक गिलहरी उड़ते हुए आ जाती है। सिटी को उड़ता देखकर दो फ्रॉग आपस में बातें करते हैं कि तुम्हें क्या लगता है सिटी गिरेगी या नहीं, जिस पर दूसरा फ्रॉग बोलता है कि कन्फर्म गिरेगी, तुम सिर्फ देखते जाओ। और होता भी कुछ ऐसा ही है, सिटी अच्छे से लैंडिंग नहीं कर पाती और एक पेड़ से टकरा कर नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने पर सिटी कहती है कि एक परफेक्ट लैंडिंग ऐसे ही होती है। रिबिट जल्दी से सिटी के पास जाता है और उसे पूछता है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी, जिस पर सिटी बोलती है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दरअसल सिटी और रिबिट एक अच्छे दोस्त होते हैं और कहीं न कहीं वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। अब सिटी पास के एक फ्रॉग को प्यारा सा गाना सुनाने को कहती है, जिस पर वो फ्रॉग अपना गला फुलाकर गाना गाने लगता है। लेकिन ये बात रिबिट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि वो बाकी के फ्रॉग से बिल्कुल अलग था और अकेला फील कर रहा था, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगता है। रिबिट को जाता देखकर सिटी भी उसके पीछे जाती है और रिबिट से पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर रिबिट सिटी से कहता है कि मैं सभी लोगों से अलग हूँ और मेरे स्किन पर पॉइजन भी है। रिबिट की बात सुनकर सिटी उसे समझाती है कि तुम ऐसा मत सोचो, हम सब बराबर हैं। अब सिटी रिबिट के साथ उसके घर पर आ जाती है। रिबिट का घर एक क्रैश प्लेन था जो ऊंचे पेड़ पर अटका हुआ था। प्लेन के अंदर एक बुक थी जिसके अंदर अलग अलग जीवों के बारे में बताया गया था। बुक में रिबिट के प्रजाति के फ्रॉग के बारे में भी बताया गया था जो पानी से दूर रहते हैं और उनकी स्किन पर पॉइजन होता है। सिटी जब रिबिट से पूछती है कि तब क्या तुम किसी और प्रजाति के फ्रॉग हो, जिस पर रिबिट बोलता है कि हाँ, और मेरा नाम भी काफी ज्यादा अजीब है। रिबिट, ये कैसा नाम है? सिटी जब रिबिट से पूछती है कि क्या तुम अपना नाम भी बदलना चाहते हो तो रिबिट बोलता है कि हाँ, और वो अपना नया नाम नॉर्मन रखता है। रिबिट अपने लाइफ से बहुत दुखी था और वो सिटी से कहता है कि तुम्हारा सही है क्योंकि तुम एक फेमस गिलहरी हो जिसे सभी लोग बहुत पसंद करते हैं और तुम तो उड़ना भी जानती हो। जिस पर सिटी रिबिट को बताती है कि सच्चाई तो ये है कि मेरी मॉम ने कभी भी मुझे उड़ना नहीं सिखाया, जिसकी वजह से मैं अच्छे से लैंडिंग नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जो भी हो मैं खुद को एक्सेप्ट करके खुश हूँ। अब रिबिट काफी ज्यादा परेशान था और अपने बारे में जानना चाहता था कि वो कौन है और बाकी लोगों से अलग क्यों है, इसीलिए वो रिबिट से खुद को अकेला छोड़कर वहाँ से जाने के लिए कहता है। रिबिट की बात सुनकर सिटी वहाँ से चली जाती है। अब रिबिट बुक को पढ़ते पढ़ते सो जाता है और सपने में देखता है कि किस प्रकार साइंटिस्ट ने उसकी खोज फ्रॉग के एक रेयर स्पीशीज के रूप में की है, जिससे सभी लोग रिबिट को देखकर बहुत खुश हैं और उसे इनाम के तौर पर गोल्ड मेडल भी दिया जा रहा है कि तभी उसकी नींद खुल जाती है और उसे लगता है कि उसके घर के अंदर कोई और भी है। इसके बाद हम तीन टाइगर बेबी को देखते हैं जो रिबिट के घर के अंदर आ गए थे। रिबिट उन्हें देखकर छुप जाता है लेकिन वो बेबी टाइगर से ज्यादा देर तक बच नहीं पाता और जब बेबी टाइगर एक कोक की केन को अपने पंजे से मारता है तो बेबी टाइगर के पंजे से लगकर वो केन भी हट जाता है जिसके अंदर रिबिट छुपा हुआ था। रिबिट बेबी टाइगर को देखकर पूरी तरह से डर जाता है और बेबी टाइगर भी रिबिट को देखकर डर गया था, लेकिन बेबी टाइगर रिबिट के साथ खेलना चाहते थे इसीलिए रिबिट को चेस करने लगते हैं और रिबिट उनसे बचकर शिप में इधर उधर भागने लगता है। इस दौरान पेड़ पर अटके शिप का बैलेंस बिगड़ जाता है और शिप का आधा हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है, लेकिन रिबिट और बेबी टाइगर किसी तरह शिप के बचे हुए हिस्से में आकर नीचे गिरने से बच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सिटी रिबिट से गुस्सा होती है क्योंकि रिबिट हर समय अपने बारे में ही सोचता रहता है कि तभी उसे एहसास होता है कि वो रिबिट को इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकती, जिसके बाद वो रिबिट की तरफ निकल पड़ती है। अगले सीन में हम टाइगर बेबीज को देखते हैं जो शिप के आधे हिस्से टूटने के बाद किसी तरह बहुत मुश्किल से जंप करके प्लेन से बाहर ट्री पर आ जाते हैं और जैसे वो ट्री पर आते हैं प्लेन का आधा हिस्सा भी नीचे गिर जाता है, लेकिन रिबिट इसमें किसी तरह बच जाता है। अब सिटी भी वहाँ पर आ जाती है जो रिबिट को सुरक्षित देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन रिबिट बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि अब उसका घर उससे छीन चुका था। सिटी रिबिट को समझाती है कि तुम दुखी मत हो क्योंकि सिर्फ तुम्हारा घर ही टूटा है, तुम तो बिल्कुल सही हो ना। अब रिबिट वहाँ से जाने लगता है और जब सिटी उसे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे
रहे हो तो रिबिट सिटी को बताता है कि मैं खुद के बारे में जानने के लिए यहाँ से दूर जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं कुछ और समय तक यहाँ रहूंगा तो पागल हो जाऊंगा। रिबिट की बात सुनकर सिटी उसे कहती है कि अगर कोई सांप तुम पर हमला करेगा तो तुम अपनी रक्षा कैसे करोगे, जिस पर रिबिट बोलता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं खुद एक जहरीला फ्रॉग हूँ। अब सिटी भी रिबिट से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और रिबिट एक विशालकाय पेड़ के ऊपर चढ़ना जारी रखता है। काफी देर तक चलने के बाद वो उस पेड़ पर चढ़ने में कामयाब हो जाता है और अब रिबिट काफी थक भी चुका था, इसीलिए वो पेड़ पर कुछ देर तक आराम करने का फैसला करता है। अब पेड़ पर रहने वाले एक बेट की नजर जब रिबिट पर जाती है तो रिबिट का ब्लड पीने का प्लान बनाता है, जिसके लिए उसे सबसे पहले रिबिट को अपनी बातों में फंसाकर हिप्नोटाइज करना होगा। अब बेट रिबिट के पास आकर मंत्र बोलना शुरू कर देता है। बेट की आवाज सुनकर जब रिबिट की आंख खुलती है तो अपने सामने एक बेट को देखकर पूरी तरह से हैरान था। बेट रिबिट को बताता है कि मैं एक बहुत बड़ा तपस्वी हूँ और मैं सारी बातें जानता हूँ। बेट की बात सुनकर रिबिट उससे अपने बारे में पूछता है, जिस पर बेट उसे बताता है कि जल्द ही तुम बहुत ज्यादा अमीर बनने वाले हो और चारों तरफ सिर्फ तुम्हारा ही राज होगा। बेट की बात सुनकर रिबिट बोलता है कि तो तब क्या मैं सारे फ्रॉग का राजा बनने वाला हूँ, जिस पर बेट बोलता है कि नहीं, तुम इससे भी बहुत आगे जाने वाले हो। अब रिबिट बेट से बोलता है कि कहीं मैं एक इंसान तो नहीं जो एक विच के शराब की वजह से फ्रॉग बन गया हूँ, और जब मैं एक राजकुमारी को किस करूंगा तो शराब टूट जाएगा और मैं फिर से अपने इंसानी रूप में आ जाऊंगा। रिबिट की बातें सुनकर बेट भी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने भी नहीं सोचा था कि रिबिट ये सब भी सोच सकता है। लेकिन बेट को तो सिर्फ रिबिट का ब्लड पीना था, इसीलिए वो रिबिट की बातों में हाँ मिलाता रहता है और रिबिट को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ सिटी को एहसास होता है कि रिबिट जंगल में आने वाली मुसीबत का अकेले सामना नहीं कर सकता है, इसीलिए वो एक बार फिर से रिबिट के पीछे उसकी मदद के लिए निकल पड़ती है। इसके बाद हम बेट को देखते हैं जो रिबिट को हिप्नोटाइज करके उसका ब्लड पीने वाला था, कि तभी वहाँ पर सिटी आ जाती है जो बेट को वहाँ से भगा देती है। अब रिबिट एक बार फिर से पेड़ के और ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। सिटी जब रिबिट से पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है तो रिबिट उसे बताता है कि मैं राजकुमारी की तलाश में जा रहा हूँ, क्योंकि राजकुमारी को किस करने के बाद मेरा शराब टूट जाएगा और मैं फिर से अपने इंसानी रूप में वापस आ जाऊंगा। बेट ने रिबिट को ये बात सिर्फ उसे हिप्नोटाइज करके उसका ब्लड पीने के लिए बताया था, लेकिन रिबिट ने तो इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया था। सिटी को रिबिट की ये बातें बचकानी लगती है और वो रिबिट को समझाती है कि ये सब झूठ है, लेकिन रिबिट सिटी की बातों पर विश्वास करने के लिए राजी नहीं था। अब क्योंकि सिटी रिबिट को ऐसे जंगल में अकेले नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए वो भी रिबिट के साथ जाने का डिसाइड करती है, जिससे रिबिट बहुत खुश होता है और अब वो दोनों मिलकर राजकुमारी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। रात होने पर ये पेड़ की एक सुरक्षित जगह पर रुकते हैं, जहाँ पर सिटी रिबिट को अपने दिल की बात बताती है कि किस प्रकार वो रिबिट से बहुत प्यार करती है और वो रिबिट के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। लेकिन इन सब का कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि रिबिट पहले ही सो गया था और अब सिटी भी सो जाती है। सुबह जब इनकी आंखें खुलती है तो ये दोनों खुद को एक बंदर के बच्चे के हाथ में पाते हैं। बंदर का बच्चा इन दोनों को पाकर बहुत खुश था और इनके साथ खेलना चाहता था कि तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है, जो रिबिट और सिटी को देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद वो बंदर का बच्चा अपनी मॉम के साथ पेड़ के ऊपर अपने डैड के पास आ जाता है। अब रिबिट और सिटी किसी तरह खुद को छुड़ा लेते हैं और जब रिबिट बंदर से इंसानों के बारे में पूछता है ताकि वो राजकुमारी को ढूंढ कर उसे किस करके अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाए, तो रिबिट की बात सुनकर बंदर हंसने लगता है, क्योंकि रिबिट बता रहा था कि वो एक इंसान है जो शराब से फ्रॉग बन गया है। खैर, वो बंदर रिबिट और सिटी को अपने पेड़ पर चढ़ने की इजाजत दे देता है, जहाँ से रिबिट और सिटी ये देख सकते थे कि इंसानी बस्ती किस तरफ है। बंदर से इजाजत मिलने पर रिबिट और सिटी बहुत खुश होते हैं और वो दोनों पेड़ पर चढ़ना जारी रखते हैं। काफी देर की चढ़ाई के बाद आखिरकार वो दोनों पेड़ के टॉप पर आ जाते हैं, जहाँ से एक प्यारा सा व्यू आ रहा था। सिटी रिबिट से कहती है कि मैंने ऐसा व्यू आज से पहले कभी भी नहीं देखा, और सिटी बहुत खुश थी। लेकिन रिबिट बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि जंगल के सबसे बड़े पेड़ पर होने के बावजूद भी वहाँ से इंसानी बस्ती या फिर कोई गांव नहीं दिखाई दे रहा था। अब सिटी और रिबिट आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी इन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है, और जब ये पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर इन्हें मेट्रोपी नाम का एक किंगफिशर बर्ड मिलता है, जो रिबिट और सिटी को बताता है कि यहाँ से सनराइज और सनसेट का जो व्यू मिलता है वो कहीं और नहीं मिलेगा। इसके बाद मेट्रोपी रिबिट
स्ट्रीट और सिटी को आसमान दिखाते हुए बोलता है कि देखो आसमान का रंग कितना प्यारा है, जैसे किसी ने पेंट किया हो। मुझे कलर्स बहुत पसंद है। मेट्रो भी रिबिट से कहता है कि मेरी तरह तुम भी कितने कलरफुल और प्यारे हो, लेकिन तुम्हारी फ्रेंड ज्यादा प्यारी नहीं है। जिस बात पर सिटी नाराज हो जाती है। अब रिबिट जब मेट्रोपी से इंसानी बस्ती के बारे में पूछता है तो मेट्रोपी उससे कहती है कि इंसानों को क्यों देखना है, वो सभी एक जैसे दिखते हैं और वो हमारी तरह प्यारे और कलरफुल भी नहीं होते हैं। और अच्छा दिखने के लिए हीरे जवाहरात और गहने पहनते हैं। मेरा बस चले तो मैं इंसानों को कभी ना देखूं। अब रिबिट जब मेट्रोपी को अपने श्राप के बारे में बताता है कि किस प्रकार वो राजकुमारी को किस करने के बाद अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाएगा, तो मेट्रोपी रिबिट के ऊपर हंसने लगता है और सिटी भी खुद को हंसने से रोक नहीं पाती। लेकिन मेट्रोपी रिबिट और सिटी की मदद करने के लिए राजी हो जाता है और उन दोनों को अपने ऊपर बिठाकर पहाड़ों और झरनों को पार करते हुए एक नदी के पास ले आता है और उनसे कहता है कि तुम दोनों सिर्फ इस नदी के साथ आगे बढ़ना और जल्दी इंसानी बस्ती में पहुंच जाओगे। रिबिट और सिटी मेट्रोपी का इसके लिए धन्यवाद बोलते हैं, जिसके बाद मेट्रोपी वहां से निकल जाता है। अब रिबिट और सिटी नदी में पानी पीने के बाद नदी के किनारे रेत पर लेट जाते हैं, क्योंकि वो दोनों काफी थक चुके थे और कुछ देर तक नदी के किनारे पर आराम करने का फैसला करते हैं। लेकिन नदी में रहने वाला क्रोकोडाइल उन दोनों को देख लेता है और इनके पास आकर कहता है कि मैंने इससे पहले कभी भी तुम दोनों को यहाँ नहीं देखा है, तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो। जिस पर सिटी क्रोकोडाइल को बताती है कि हम राजकुमारी को ढूंढते हुए आए हैं। क्रोकोडाइल सिटी से कहता है कि मुझे इंसानों को खाना बहुत पसंद है। अब क्योंकि क्रोकोडाइल किसी भी तरह रिबिट और सिटी को खाना चाहता था, इसलिए इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। लेकिन इससे पहले कि उन दोनों को खाता, कोई चीज उसे वापस से नदी के अंदर खींच लेती है और अगले पल वहाँ पर दो कपल हिप्पो आ जाते हैं, जो क्रोकोडाइल से रिबिट और सिटी को बचा लेते हैं। मेल हिप्पो का नाम अली और फीमेल हिप्पो का नाम मलिया था। अली रिबिट और सिटी को बताता है कि इस नदी में सिर्फ हम दोनों ही रहते हैं, क्योंकि हमारे रिलेटिव यहाँ आने से डरते हैं। इसके बाद रिबिट अली से इंसानी बस्ती के बारे में पूछता है और साथियों अली को अपने श्राप के बारे में भी बता देता है कि किस प्रकार राजकुमारी को किस करने के बाद वो श्राप से मुक्त हो जाएगा और अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाएगा। रिबिट की बात सुनकर अली जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि रिबिट बचकानी बातें कर रहा था। अब अली और मलिया साथ में मिलकर इनकी मदद करने का फैसला करते हैं, जिसके बाद मलिया एक सूखी हुई लकड़ी का टुकड़ा ले आती है और रिबिट को सिटी के साथ उसमें बैठाकर बोलती है कि तुम दोनों सिर्फ इस नदी के साथ आगे बढ़ते रहो और जल्दी इंसानी बस्ती में पहुंच जाओगे। अब रिबिट और सिटी सूखी लकड़ी के टुकड़े पर बैठकर आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं और वो दोनों इस समय बहुत खुश थे। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती है, क्योंकि अगले पल उनके ऊपर वही क्रोकोडाइल हमला कर देता है जिससे अली ने उन्हें बचाया था। वो क्रोकोडाइल अब किसी भी तरह से इन्हें खाना चाहता था। क्रोकोडाइल को देखकर रिबिट और सिटी बुरी तरह से डर जाते हैं। अब ये लोग इस दौरान आपस में बातें करते हुए नदी के बीच में मौजूद झरने के पास आ जाते हैं और झरने से नीचे गिरने लगते हैं। सिटी तो किसी तरह रिबिट को लेकर हवा में ही उड़ जाती है, जिससे वो दोनों बच जाते हैं। लेकिन क्रोकोडाइल सीधे नीचे जाकर गिरता है। जंगल में सिटी के क्रैश लैंडिंग की वजह से रिबिट और सिटी एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। रिबिट जोर जोर से चिल्लाकर सिटी को बुलाता है, लेकिन सिटी का कुछ पता नहीं था। अगले सीन में हम सिटी को एक जाइंट मकड़ी के जाल में फंसे हुए देखते हैं और यहाँ पर सिटी को अपने बचपन का एक विजन आता है, जिसमें वो देखती है कि किस प्रकार जब वो छोटी थी और उसकी मॉम उसे उड़ना सिखा रही थी तो शिकारी के जाल में फंस गई, जिसके बाद शिकारी उन्हें अपने साथ ले गया और सिटी हमेशा के लिए अकेली रह गई। अब मकड़ी सिटी को खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है और सिटी मदद के लिए रिबिट को आवाज लगाती है, क्योंकि वो जाइंट मकड़ी के जाल में फंस चुकी थी और हिल भी नहीं पा रही थी। अब इससे पहले कि मकड़ी सिटी को कोई नुकसान पहुंचाती, वहां पर रिबिट आ जाता है, लेकिन वो भी मकड़ी के जाल में फंस जाता है। मकड़ी ये देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि एक साथ उसके जाल में दो शिकार फंसे थे। लेकिन रिबिट किसी तरह मकड़ी को धक्का देकर उसे नीचे गिरा देता है और खुद को आजाद करके सिटी को भी आजाद करा देता है। अब रिबिट और सिटी जाइंट मकड़ी का जाल तोड़कर नीचे तालाब में गिर जाते हैं। इस दौरान सिटी तालाब में ही बेहोश हो जाती है, जिसके बाद रिबिट उसे तालाब से बाहर निकालता है। कुछ देर के बाद सिटी वापस से होश में आ जाती है, जिसे जिंदा देखकर रिबिट बहुत खुश होता है। इसके बाद रिबिट और सिटी झरने के पास वाले ऊंचे पेड़ के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ से सामने का नजारा काफी ज्यादा प्यारा था। यहाँ पर रिबिट को एक
पिरामिड दिखाई देता है, जिससे समझ जाते हैं कि इंसानी बस्ती वहीं पर होगी और वो दोनों उस तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में इन्हें एक तालाब मिलता है जिसमें मौजूद सारे फ्रॉग रिपीट की तरह दिख रहे थे। रिपीट ये देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि उसने पहली बार अपने जैसे किसी फ्रॉग को देखा था कि तभी वहाँ पर कुछ इंसान आ जाते हैं जो उन मेंढकों को पकड़ने लगते हैं। रिपीट ये देखकर सिटी के साथ छुप जाता है और बाकी के फ्रॉग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। कुछ समय बाद वहाँ पर उनका कमांडर आ जाता है जो उन सैनिकों को पकड़े गए फ्रॉग को अपने कमरे में ले जाने के लिए कहता है। कमांडर और बाकी लोगों के वहाँ से जाने के बाद रिपीट और सिटी बचे हुए फ्रॉग से पूछते हैं कि वो लोग कौन थे और आप उनका सामना क्यों नहीं करते। वो फ्रॉग इन्हें बताते हैं कि सैनिक कभी भी वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। वो उनका सामना नहीं कर सकते क्योंकि वो खुद को सिर्फ एक मामूली सा फ्रॉग समझते हैं। अब सिटी और रिपीट साथ में मिलकर बंदी बनाए गए फ्रॉग को बचाने का डिसाइड करते हैं, जिसके बाद वो दोनों इंसानी बस्ती की तरफ निकल पड़ते हैं। इंसानी बस्ती में आकर जब रिपीट राजकुमारी को देखता है तो उन्हें देखता ही रह जाता है, लेकिन सिटी रिपीट से कहती है कि हमें सबसे पहले अपने साथियों को बचाना है। रिपीट भी सिटी की बात समझ जाता है, जिसके बाद वो दोनों कमांडर के कमरे में आ जाते हैं जहाँ पर तालाब से पकड़कर लाए गए फ्रॉग को रखा गया था। यहाँ पर कमांडर फ्रॉग की स्किन से थोड़ा सा पॉइजन निकालकर उसे एक जाम में मिला देता है और सिपाही से उस जाम को राजकुमारी को पिलाने के लिए कहता है। दरअसल कमांडर राजकुमारी को मारकर खुद नया राजा बनना चाहता था। कमांडर के वहाँ से जाने के बाद सिटी बंदी बनाए गए फ्रॉग को बचाने की कोशिश करती है और रिपीट राजकुमारी को जहर वाला जाम पीने से रोकने जाता है। अब इससे पहले कि सिटी सभी फ्रॉग को कैसे आजाद करती, वहाँ पर वही क्रोकोडाइल आ जाता है जो नदी में रिपीट और सिटी को खाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सिटी किसी तरह बहुत मुश्किल से एक एक करके सारे फ्रॉग को कैसे आजाद करा देती है और क्रोकोडाइल सिर्फ देखता ही रह जाता है और रस्सी में फंसकर पूरी बिल्डिंग को गिरा देता है। राजकुमारी जाम को पीने वाली थी कि तभी रिपीट जाम के ग्लास में कूद जाता है, जिससे जाम नीचे फूलों पर गिर जाता है और सभी को पता चल जाता है कि जाम नकली है। अपनी सच्चाई सामने आने पर कमांडर राजकुमारी को बंदी बना लेता है, लेकिन अब यहाँ पर बाकी के फ्रॉग और उनका पीछा करते हुए क्रोकोडाइल भी आ गया था। अब सारे फ्रॉग और सिटी मिलकर राजकुमारी को कमांडर से छुड़ाते हैं। क्रोकोडाइल खुद को बचाने के दौरान कमांडर को भी अपने जाल में फंसा लेता है, जिससे क्रोकोडाइल और कमांडर दोनों पकड़े जाते हैं। अब राजकुमारी रिपीट से खुश होकर उसे किस कर देती है, लेकिन इससे रिपीट की बॉडी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि श्राप वाली बात सिर्फ उसका भ्रम था। अब रिपीट और सिटी साथ में मिलकर खुशी खुशी आगे की जिंदगी जीने का प्लान बनाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके इन्हें भी वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।